Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with MotherWorld, the world where is your all access solution. आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में व्यू टैब की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो कि आपको जानना ही चाहिए. जैसे कि हमारे सामने MotherWorld का 2016, 17 और 18 का डेटा सेट यहाँ पर है कि किस तरीके से MotherWorld ने अपने सेल्स को इंक्रीज किया है. अब इसी को अगर मुझे स्टडी करना है कि कहाँ पे मुझे सेल्स ज़्यादा हुए हैं और कौन सा मंथ मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, मुझे उस मंथ में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे, कुछ स्कीम्स निकालने होंगे, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो इस डेटा सेट को स्टडी करना होगा. और मैं एक एक जा कर के तो स्टडी नहीं कर सकती क्योंकि डिफरेंस मुझे नहीं मालूम पड़ेगा. तो इसके लिए आप जा सकते हैं, सिंपली मुझे 2017 और 18 का इस समय स्टडी करना है. तो मैं जाऊंगी यहाँ पर व्यू टैब में और यहाँ पर क्लिक करूंगी न्यू विंडोज. अब आपके सामने यहाँ पर जो सामने हेडिंग है वो लिखा है MW MotherWorld सेल्स एनालिसिस 2. 2 इसका मतलब है 1 कहीं ना कहीं पर होगा. तो ये है MotherWorld सेल्स एनालिसिस 1. अब मुझे इन्हें अरेंज करना है सो दैट मैं इसे स्टडी कर सकूं. टाइल्ड फिलहाल मुझे इन सबको वर्टिकली एनालाइज करना है सो दैट मैं अच्छे से देख सकूं. और यस, मुझे इस समय 2017 और 18 का डेटा एनालाइज करना है. जैन 252 काफ़ी अच्छा रहा. और अब आप चाहे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. और यस, 2016 का भी अगर आपको स्टडी करना है तो सेम यही रूल आपको उसके लिए भी अप्लाई करना होगा. इसके थ्रू आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो सकते हैं और आपको आपके डेटा सेट समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा और आप बहुत ही ईजीली अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, सेल को ग्रो कर सकते हैं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ और अप्लाई करिए. व्यू इज़ अ वन ऑफ द गुड फीचर इन एक्सेल जो आपके काम को बहुत ही इजी कर देता है. एंड जैसे ही आपका स्टडी कंप्लीट हो जाए तो आप चाहे इसे कम कट कर सकते हैं. यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वो डुप्लीकेट था इस वजह से वहाँ पर सेव होते समय ये नहीं बताया. बट जैसे आप इसे कट करने की कोशिश करेंगे ये आपका एक्चुअल है, ये यहां पर लिखेगा सेव करना है या नहीं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ.